क्या आप हिमाचल में घूमने के लिए कुछ अनोखी जगह की तलाश कर रहे हैं? तो चलिए आज हम बात करते हैं तीर्थन वैली के बारे में, जो हिमाचल प्रदेश का एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है। सुंदर तीर्थन वैली जो हिमाचल प्रदेश का एक एडवेंचर हब है। समुद्र तल से करीब 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तीर्थन वैली एक एडवेंचर प्लेस है। अपने सुंदर परिदृश्य के साथ आपकी उपस्थिति का इंतजार करती है। प्राचीन नदी तीर्थन से इस वैली को तीर्थन वैली के नाम से जाना जाता है। यहाँ मछली पकड़ने, ट्रेकिंग और वन्य जीवों को देखने सहित कई मनोरंजक प्रवृत्ति के लिए एक हॉटस्पॉट के रूप में काम करती है। जिसे ट्रेकिंग करना बहुत पसंद है ना, ये जगह उनके लिए ही बनी है। ये एडवेंचर के लिए प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर एक्टिविटीज में आप ट्रेकिंग कर सकते हैं, या तो फिर आपको कैंपिंग पसंद है तो कैंप भी लगा कर रह सकते हैं और जंगलों में घूम सकते हैं। और हाँ, जो ट्रैकिंग करते वक्त लकड़ी के छोटे छोटे पुलों से नदी के ऊपर से जाने का नज़ारा है ना, वो तो बहुत ही खूबसूरत है। आप बॉनफायर भी कर सकते हैं, या तो फिर जिसे फोटोग्राफी पसंद है ना, वो तो यहाँ पर थकने वाला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे नज़ारे हैं ना कि वो फोटो खींचते ही रहेगा। और हाँ, यहाँ पर कई अलग अलग प्रजाति के बर्ड्स देखने मिलते हैं, तो जो बर्ड्स देखने के शौकीन है वो बर्ड वॉचिंग भी कर सकते हैं। और बर्ड वॉचिंग के लिए तो ये जगह सबसे अच्छी जगहों में से एक मानी जाती है। अगर आप कैंपिंग के शौकीन है तो आप सेरेलसर और पराशर लेक के शांत किनारे पर जगमगाते हुए तारों से भरे आसमान के नीचे सोने का अनुभव ऐसा है कि जिसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। वो टिमटिमाते हुए तारे देखकर सोने का मजा ही कुछ और है। इसीलिए तो ये जगह ट्रेकर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि ट्रेकर्स को यहाँ पर प्रकृति के सारे अनुभव करने को मिलेंगे। अगर आप एक्टिविटीज का आनंद नहीं लेना चाहते तो निकल पड़िए आसपास के गांवों में। जंगलों से होते हुए नगीनी, गुशेनी, बंजार और सोजा जैसे छोटे छोटे गाँव में टहलने भी जा सकते हैं। इन गांवों के निवासी लकड़ी की नक्शी के लिए प्रसिद्ध है, जो कुल्लू के लगभग सभी मंदिरों को सजाती है। और हाँ, सभी संस्कृति प्रेमियों के लिए जो विभिन्न क्षेत्रों की परंपरा और रीति रिवाजों में गहराई से जानना पसंद करते हैं, तीर्थन वैली एक सुखद आश्चर्य के रूप में आती है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग अभी भी अपने पुराने रीति रिवाज और मान्यताओं को मानते हैं। अगर आप हिमाचल घूमने जा रहे हो और आप एक ऑफबीट डेस्टिनेशन की तलाश में हो तो ये जगह आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। मनमोहक पहाड़ियाँ, अल्पाइन घास के मैदानों और घने शंकु आकार के वृक्षों से घिरी हुई ये जगह काफी खूबसूरत है। और हाँ, ट्रेकर्स को यहाँ पर वाटरफॉल भी देखने मिलेगा। आपको रोला विलेज के पास वाटरफॉल देखने मिलेगा। और सबसे अच्छे नज़ारों में से एक है जो पहाड़ियों को छूते हुए बादल देखने का नज़ारा है, जो नज़ारा काफ़ी मनमोहक है, लेकिन ये देखने के लिए आपको पहाड़ी चढ़नी होगी। तो फिर आप भाई सोच ही लो, नेचर कैंपिंग के लिए ये कितनी अच्छी जगह होगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक ही जगह आपको मिल जाएगी। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि आप यहाँ पर कैसे जा सकते हैं। ये जगह दिल्ली से करीब 506 किलोमीटर की दूरी पर आई हुई है। अगर आप बाय फ्लाइट जाना चाहते हैं तो यहाँ से सबसे नज़दीक एयरपोर्ट भुंतर में है, और अगर आप बाय ट्रेन जाना चाहते हैं तो यहाँ से सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन अंबाला में है। ऑट से तीर्थन वैली का डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, और इस 30 किलोमीटर में आपको करीब 800 से 1000 रुपये लगेंगे। और अगर आप लोकल बस से जाते हैं तो ये सफ़र आपको 40 से 50 रुपए में पड़ेगा। यहाँ पर जाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होगा? मार्च से जून तक यहाँ पर जाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होगा।
चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर होम स्टे के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी। यहाँ पर होम स्टे के लिए रिवर साइड होम स्टे, तीर्थन होम स्टे या ओम शांति होटल, ये सभी जगह बेस्ट होगी। तो आप कभी यहाँ पर घूमने जाओ तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये जगह कैसी लगी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।